हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल रेस्ट क्लास में। बिहार बेल्टोन का फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम चल रहा है आप लोगों का डेटेंटी ऑपरेटर का, तो उसका फ्रेंड्स आ चुका है अब आखिरी पड़ाव, यानी कि 27 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है एग्ज़ाम का, यानी आप आखिरी समय आ चुका है। तो बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम लगभग हो चुका है, लगभग 80% एग्ज़ाम, और कुछ लोगों का मात्र बचा हुआ है। और इससे पहले फ्रेंड्स जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मुझे आपका आप लोगों को जो उसमें कमेंट में बहुत सारा आया, रिस्पॉन्स भी मुझे अच्छा मिला। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो भी अपलोड किए, और जब जब एग्ज़ाम हुआ उनके क्वेश्चंस किस तरह के आए मुझे जैसे मिलते गया मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाता गया अपने वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो अब जो है परीक्षा का आखिरी पड़ाव आ चुका है। अब जो है फ्रेंड्स जो प्रश्न आ रहे हैं वो कुछ अलग तरीके के आ रहे हैं, मुझे जो प्रश्न मिलते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मुझे कुछ प्रश्न यहाँ पर मिले हैं, 2-3-4-5 प्रश्न, ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स इसमें हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम तो खत्म होने वाला है, लास्ट एग्ज़ाम में पड़ा है, तो अब बात करेंगे हम लोग कट ऑफ का। आगे जितने वीडियो आएंगे वो कट ऑफ का आएगा, और जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है आपका टाइपिंग का, और उस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब जितने भी आए आपको एग्ज़ाम का लिए वीडियो में लाऊंगा, वो लाऊंगा कट ऑफ के लिए और टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो कट ऑफ कितना जाएगा इस पर हम लास्ट में बात करेंगे, कैसे जाएगा, क्या हम लोग किस तरह निकालेंगे, सब बात करेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो प्रश्न कुछ जो अभी भी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं कुछ लोग कमेंट में, ठीक है, और उससे भी मेरा जो है आपका मैंने लिंक क्रिएट कर दिया है टेलीग्राम का, आप जाके वहाँ पर भी आप हमें शेयर कर सकते हैं क्वेश्चंस जो दिए हैं 20 दिसंबर को या फिर जिसको आज दिए हैं, तो मुझे आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आपका 19 दिसंबर का कि किस टाइप का जो है क्वेश्चंस आ रहा है, और फ्रेंड्स आप लोगों ने तो ये वाला वीडियो देखा होगा 19 दिसंबर को जो क्वेश्चंस आए थे उसमें किस तरह क्वेश्चन आए थे मैंने अपलोड कर दिए हैं, और इसमें आप लोग उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये देखे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मुझे जो है कुछ और क्वेश्चन भी शेयर किया गया है, और उसमें कुछ और भी कहा गया, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं श्रेया सिंह जो है, इन्हें कमेंट किया है कि क्वेश्चन था कि एक पूरा कॉलम को बोल्ड एंड इटैलिक किस शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ होता नहीं है, मान लीजिए एक कॉलम है बहुत सारा, ठीक है, तो हम मान लीजिए एक कॉलम को सेट करके इसमें जो भी डेटा है तो इसको हम पूरा को बोल्ड और इटैलिक एक शॉर्टकट से कैसे करेंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, मतलब आप एक बार मान लीजिए सेट करके अगर दाबेगा कंट्रोल बी तो वो बोल्ड होगा, फिर अगर दाबेगा कंट्रोल आई तो वो आपका इटैलिक होगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ऐसा शॉर्टकट यहाँ पर कि जिससे कि पूरा कॉलम बोल्ड और इटैलिक एक बार में दोनों हो जाए, तो ऐसा फ्रेंड्स कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। और दूसरा देखिए यहाँ पर उन्होंने कमेंट किया है कि सर 19 दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम था और इसमें जो है एक भी फुल फॉर्म एक्सटेंशन और शॉर्टकट नहीं पूछा, बस एक शॉर्टकट पूछा वो भी ख़राब है। ठीक है, मतलब पहले मैंने जितने वीडियो अपलोड किए थे आपका 27 नवंबर को, 10 दिसंबर, 16 दिसंबर, 18 दिसंबर इस टाइप का, तो उसमें फ्रेंड्स क्या था कि आपको शॉर्टकट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, आपको जो एक्सटेंशन है उससे क्वेश्चन आ रहा था, और जो फुल फॉर्म है उससे भी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, और जो लोग एग्ज़ाम दे के आ रहे थे उन लोग भी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस सबसे आ रहा है। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे 19 दिसंबर वाला, तो उसमें क्या है कि जो ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं फ्रेंड्स वो आपको आए हैं मेन्यू से और ग्रुप से, कि किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन किस मेन्यू में है, ये ऑप्शन किस ग्रुप में है, यानी ये वाला लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन आया था मेन्यू से, यानी जो आप क्वेश्चन का जो पैटर्न है फ्रेंड्स वो बिल्कुल बदला जा चुका है, बदल गया है, अब जो है फुल फॉर्म एक्सटेंशन और आपका जो भी शॉर्टकट की है उससे नहीं के बराबर या बहुत कम एक या दो प्रश्न आ रहे हैं, अब जो ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपको मेन्यू से और आपको ग्रुप से। ठीक है, तो आप लोग जो है जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है वो मेन्यू चाहिए पढ़ के, जो मेरा 19 दिसंबर वाला जो आपका वीडियो है आपने अब तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगा जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पहले इसने भी एक बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए थे सोनू सिंघम जी ने कि 19
दिसंबर को जो मैंने बनाया था वीडियो, तो उसमें जो है बहुत सारा क्वेश्चन मुझे सोनू सिंघम जी ने प्रोवाइड करवाए थे, ठीक है, उनका थैंक्स। और यहाँ पर मुझे फिर यहाँ पर बताया कमेंट करके कि सर एक क्वेश्चन और था, इसको ज़रूर बताइएगा, इसने रिक्वेस्ट किया है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि देखिए, ये फ्रेंड आपको जो है, ये जो क्वेश्चन है ये ना आपको कोई किताब में मिलेगा ना कहीं मिलेगा, ये जो आप हम लोग को जो डेली के जो ज़िंदगी में आता है, जो यूज होता है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कि देखिए पूछा गया है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो फ्लिपकार्ट और अमेजन में सबसे ज़्यादा जो है किसका उपयोग होता है, ये क्वेश्चन आया था। देखिए ये क्वेश्चन आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि ये जो हम लोग को डेली यूज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो उसका जो ऑप्शन था उसने शेयर नहीं किया है, क्योंकि उतना याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, फिर भी मुझे इसने शेयर किया है। इसका आंसर होगा बार कोड, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसने लिख दिया है कि क्वेश्चन याद नहीं सर, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, इसने रिक्वेस्ट किया है। इसमें बता रहा हूँ यहाँ पर कि इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें जो होता है बार कोड होता है, ठीक है। तो बार कोड का क्या होता है कि ज़्यादा यूज होता है, उसने मुझे यहाँ पर लिख के भेजा है कि आंसर होगा इसका बार कोड, ठीक है। तो जो प्रश्न है इस टाइप के भी आ रहे हैं आपका, कि जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली जिंदगी में, कोई वेबसाइट वगैरह, कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, उससे भी आपको प्रश्न फ्रेंड्स आ रहा है, इसीलिए आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर जो है 20 दिसंबर को यानी कल को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका एक क्वेश्चन मुझे शेयर किया गया है, ये देखिए राज 09 के द्वारा, ठीक है। ये देखिए थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पर शेयर किया है मेरे साथ, एक क्वेश्चन कि URL का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारा चेंज हुआ है, ठीक है। तो मुझे जो क्वेश्चन थे बचे हुए मैंने आपके साथ शेयर किया, और अगर आप लोग के पास भी क्वेश्चन है 20 दिसंबर का या 21 दिसंबर का, तो मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा जो है टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि जिनका एग्जाम बचा हुआ है उनके साथ मैं शेयर कर सकूं, और चले पता किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप बात करते हैं हम लोग कट ऑफ का, ठीक है, लास्ट में, तो आप तो जान गए होंगे कि प्रश्न किस टाइप का आ रहा है, ठीक है, और कट ऑफ कितना जाएगा इस बात करते हैं। तो कट ऑफ फ्रेंड्स ये जब तक आपका एक डेटा मुझे नहीं मिलेगा तो उसे जो है कट ऑफ बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको आज या कल तक एक वोटिंग पोल अवेलेबल करवाऊंगा, उसमें आप लोग ज़रूर कीजिएगा हेल्प, ज़रूर उसमें वोटिंग कीजिएगा, ताकि मैं उसे जो है एक जेन्युइन कट ऑफ निकाल सकूं, ठीक है। तो इसमें मुझे ये आप लोग को बताना था कि जो मैं आप लोग का वोटिंग पोल के लिए लिंक दूंगा, तो उसमें आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उसको वोटिंग ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोग का एक जेन्युइन और अच्छा तरीके से मैं कट ऑफ निकाल सकूं कि क्या कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि जो 50% मार्क्स लाएगा उन्हीं को जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, याद रख लीजिएगा आप लोग। जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है 60 नंबर का, जो 30 से ऊपर लाएगा उन्हीं का जो है सिलेक्शन होगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, उससे कम का नहीं होगा, इसलिए आप लोग वोटिंग जरूर कीजिएगा। आप लोग को लिंक मिल जाएगा कल तक में, ठीक है, जो मेरा आपको वहाँ पर जो चैनल में ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स कम्युनिटी टैब का, तो वहाँ पर जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या आपको शो हो जाएगा खुद, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको वो वोटिंग का लिंक मिल जाएगा, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा उस पर, और उसमें जो वोटिंग भी जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए एक जेन्युइन कट ऑफ ला सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को यही देना था अपडेट फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक और जरूरी अपडेट कि दिल्ली मेट्रो में जो है यहाँ पर 2020 के लिए बम्पर भर्ती आ चुकी है, जो कि मैंने आज वीडियो अपलोड किया है, देखिए 21/12/19 का अपडेट है कि 1500 से अधिक इसमें वैकेंसी है, और ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है इसमें, कि जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी है, आपको असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, ITI का पोस्ट है, ये नहीं आपको ITI किए हुए हैं, जो इंटर पास है, जो मैट्रिक नहीं, तो आपका BE/BTECH किए हुए हैं, MCA किए हुए हैं, यानी इसमें बहुत सारा पोस्ट 1500+ पोस्ट है। तो इसको वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए, और अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो जरूर फॉर्म को भरिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।